निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने मोर्चा खोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों की आधिकारिक ऑडिट जांच कराए जाने की मांग की। वही लगातार बच्चों के पालकों द्वारा संघ तक पहुंचाई जा रही थी शिकायतें। छत्तीसगढ़ में लगातार निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी और छात्र छात्राओं से पढ़ाई के नाम पर बेजा वसूली की शिकायत पर छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने मोर्चा खोल दिया है और जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल की ऑडिट जांच कराए जाने की मांग की। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान अपने दौरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को राजनांदगांव जिला पहुंचे और जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। गौरतलब है कि राजनांदगांव के निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों के पालकों से पालक संघ को मिल रही शिकायतों पर पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने सीधे जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और राजनांदगांव जिले के चार प्राइवेट विद्यालयों नीरज पब्लिक स्कूल बोरी, नीरज पब्लिक स्कूल बलदेव बाग, वेंसलियन विद्यालय और वाइडनर स्कूल के खिलाफ जांच की मांग की। इस दौरान उन्होंने इन चारों स्कूलों की विभागीय ऑडिट करवाकर जांच कराए जाने की भी मांग कर डाली और साथ ही उक्त विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम और मान्यता की शर्तों के तहत ना लाभ ना हानि के सिद्धांतों पर संचालित किया जा रहा है या नहीं इसकी भी जांच करने की मांग की। इस संबंध में नजरुल खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संघ का जो अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में, इनका जो अकूत संपत्ति इन्होंने शिक्षा बेचकर शिक्षा का धंधा करके जो इकट्ठा किया है दौलत, इसकी विभागीय ऑडिट करवाने की मांग की। अगर शिक्षा सेवा का कार्य है और नो प्रॉफिट नो लॉस में इनको स्कूल को संचालित करना है तो ये पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, फिर शिक्षा को बेच रहे हैं तो ये अपराध, इस अपराध के तहत इनको सजा क्यों नहीं हो रही है, इनकी इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है, तो वही जांच की मांग को लेकर, विभागीय ऑडिट की मांग को लेकर आज राजनांदगांव आए थे और राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी से हमने मांग की है कि चार राजनांदगांव के चार स्कूल हैं जिसमें नीरज पब्लिक स्कूल बोरी है और एक नीरज पब्लिक स्कूल बलदेव बाग है, वेस्लियन स्कूल है और एक वाइडनर स्कूल है। इन चारों स्कूलों की बहुत शिकायत आई है और इन चारों स्कूलों की जांच की मांग की है। और ये क्या है, किताबों पे जो धंधा चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो यहाँ पर भी वही धंधा चल रहा है कि किताबों के नाम पे दलाली खा रहे हैं। मतलब इन शिक्षा माफियाओं का स्तर इतना गिर चुका है कि ये किताबों में कमीशन खोरी, ड्रेस में कमीशन खोरी। मैं समझता हूँ कि बच्चे को ये जो एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं, वहाँ वो बच्चे ट्यूशन के तहत अलग से पैसा देके एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये सिर्फ वो रिजल्ट का टुकड़ा जो होता है उस टुकड़े को देने के लिए ये इतनी भारी भरकम फीस पालकों से वसूल रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के नाम पे। तो आज उस मांग को लेकर हमने यहाँ पर आए थे, जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि हम इस पर जाँच करेंगे, किताबों के विषय में भी जाँच करेंगे और कार्रवाई, हमको जांच से मतलब नहीं है, हमको जांच रिपोर्ट से मतलब है, स्कूलों पर कार्रवाई से मतलब है। और कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करता है तो पालक संघ फिर क्या करेगा, ये प्रशासन भी जानता है और ये जिला शिक्षा अधिकारी भी जानते हैं कि पालकों की इतनी संख्या यहाँ खड़ी होगी कि उसको प्रशासन गिन नहीं पाएगा, क्योंकि शिक्षा धंधा नहीं है और शिक्षा का धंधा हम चलने नहीं देंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।